राजस्थान के एक शहर की एक ऐसी घटना जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। रविवार का दिन था, पानी की टंकी और उसमें अधजली लाश। आखिर क्यों दोस्त और उसकी पत्नी ने कर दी हत्या? पहले पानी की टंकी में लाश को गलाया, फिर जंगल में फेंक दिया। पुलिस वाले जिस घटना को आम घटना समझ रहे थे, उस घटना के खुलासे ने सबको हिला कर रख दिया। आइए देखते हैं क्राइम 21 का दूसरा एपिसोड, साजिश। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 की खास पेशकश क्राइम 21 में, और मैं हूं आपका साथी अविनाश चंद्रवंशी। आज यह क्राइम 21 का एपिसोड दूसरा है जिसका नाम साजिश है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए एपिसोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर हमें वीडियो को शेयर कर अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। चलते हैं कहानी की ओर और रंजीश की इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। राजस्थान का गंगानगर, वो शहर जो अमूमन खबरों से परे रहता है, वहां घटे साजिश की इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया है। गंगानगर के पुरानी आबादी थाना पुलिस को एक अधजली लाश मिलती है। लाश सिंटेक्स पानी टंकी में रहती है। लाश की हालत देख पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि इतनी दर्दनाक मौत की कमजोर दिल वाले लाश को शायद देख नहीं पाते। शव का पता चलते ही पुलिस शव के शिनाख्त करती है और तफ्तीश शुरू कर देती है। शव किसका है ये पता करने में पुलिस को ज्यादा समय तो नहीं लगता। शव की पहचान पास में ही रहने वाले वीरेंद्र के रूप में होता है। घटना स्थल में वीरेंद्र का जिंदा फोन और रस्सी से बंधी हुई अधजली वीरेंद्र की लाश मिलती है, और शव पर चोट के कई गंभीर निशान होते हैं। पुलिस वीरेंद्र के बारे में पता लगाती है। वीरेंद्र श्रीलंका में नौकरी करता था और छुट्टियों पर समय बिताने अपने घर आया हुआ था, और कुछ ही दिन बाद वो वापस जाने वाला भी था। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र को मौत ने रोक लिया। शायद वीरेंद्र के हाथ में जीवन की लकीर वहीं तक खींची हुई थी। पुलिस परिजनों से बात करते हैं और बेटे की मौत से घर में मातम का घना बादल छाया हुआ था। वीरेंद्र की मौत के बाद पुलिस पूछताछ और जानकारी जुटाने उसके परिजनों से बात करती है। घर में मातम का घना बादल छाया हुआ था। सब यही सोच रहे थे कि वीरेंद्र श्रीलंका में रहता है, यहाँ ना कोई उसके किसी कोई दुश्मन है, ना ही किसी से रंजिश है, और ना ही किसी से वो आपसी कोई विवाद है। तो फिर आखिर कौन है जो वीरेंद्र की हत्या कर गया? ऐसी क्या दुश्मनी, ऐसी क्या नाराजगी रही होगी जिसने किसी परिवार के लाल को छीन लिया, एक माँ के बेटे को छीन लिया। घटना स्थल पर वीरेंद्र का फोन चालू था और पुलिस के पास फोन खंगालने के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। पुलिस फोन का पोस्टमार्टम करना शुरू करती है। उस फोन में रोहित नाम के एक व्यक्ति का नंबर था। पुलिस रोहित का पता लगाया और उससे हिरासत में लेकर पूछताछ करती है। पूछताछ से पता चलता है कि रोहित और वीरेंद्र दोनों दोस्त थे। दोनों के बीच कुछ आपसी बातचीत भी हुई थी, और यहीं से पुलिस को लीड मिलना शुरू हो जाता है। जब पुलिस ने रोहित से और कड़ाई से पूछताछ की तो रोहित ने जो बात बताई, रोहित का जो बयान सामने निकल कर आया, उसे सुनकर सब दंग रह गए। रोहित के बयान ने समाज में पति पत्नी के रिश्ते के साथ प्रेम शब्द को भी शर्मसार कर दिया। रोहित और आशु, जिसका नाम जैस्मिन था, दोनों पति पत्नी थे। जैस्मिन का संबंध वीरेंद्र से था और दोनों प्रेम प्रसंग में बंधे हुए थे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। जैस्मिन के पति रोहित को भी यह बात मालूम थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने वाली बात भी उसे मालूम थी, लेकिन उस बेचारे वीरेंद्र को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे प्रेम प्रसंग नहीं बल्कि हनी ट्रैप में हैं। रोहित ने बताया कि उसको पता चला था कि वीरेंद्र के पास काफ़ी पैसा है। उससे हनी ट्रैप में फंसाने के लिए पति पत्नी दोनों ने साजिश की और कोशिश की। इस घटना के अंजाम देने से पहले सबसे पहले वीरेंद्र को आंसु अपने प्रेम जाल में फंसाती है। उसे अश्लील बातें करना शुरू कर देती है, फिर उसे एक कमरे में बुलाती है मिलने के लिए। वहाँ पर रोहित पहले से ही रहता है।
रोहित जानता था कि वीरेंद्र के पास काफी पैसा है और वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर लालच में, पैसों की लालच में उससे अश्लील बातें करने लगता है, अपनी पत्नी के फोन से भी अश्लील बातें करता है। और जब वीरेंद्र मिलने आता है जासमीन के पास तो वहां रोहित मौजूद होता है और वो फोटो खींचने लगता है। दोनों की प्लानिंग रहती है कि उसकी अश्लील फोटो खींच वायरल कर उससे पैसा वसूली करने का। लेकिन रोहित और आंसू के काबू में जब वीरेंद्र पूरी तरह से नहीं हो आया, जब आंसू और रोहित को लगा कि अब वो फंसने वाले हैं, तो आंसू ने वहां रखे, आंसू मतलब जैस्मिन जो उसकी पत्नी है, वो वहां पर रखे एक तवा से रोहित के सिर, वीरेंद्र के सिर पर हमला कर देती है, इतना जोरदार कि वीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी यही समाप्त नहीं होती है। दरिंदगी, हैवानियत और सच छिपाने रोहित और उसकी पत्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वीरेंद्र को मारने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए और छत पर रखे पानी की टंकी में उसे उसका शव गलाने उस टंकी में डाल दिया। इतना ही नहीं, टंकी में शव को डालने के बाद टंकी सहित एक ठेले में लाश को लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। वहां जाकर लाश बाहर निकालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। लाश लगभग अधजली हो गई रहती है और जिस तरह से लाश की स्थिति थी, वाकई वो बहुत ही डरावनी स्थिति थी। जो लाश का, जो वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो लाश को जिस स्थिति में दिखती है, पुलिस को लगता है कि ये आत्महत्या या ऐसा कुछ घटना होगा। लेकिन जो बाद में जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि कुछ और ही मामला है। बहरहाल पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन क्या गिरफ्तारी करने से वीरेंद्र को न्याय मिल जाएगा? क्या वीरेंद्र की माँ को उसका लाल वापस मिल जाएगा? आज के ज़माने में हम इंसान कितने गिर सकते हैं, इसका अंदाज़ा इस घटना से लगाया जा सकता है। चंद पैसों के लिए अपनों को जान से मार देना, लालच में किसी ऐसे अपराध को अंजाम देना जिससे किसी परिवार का लाल चला जाए, परिवार सूना हो जाता है, ये सारी बातें सोचने और समझने वाली है। जो अपराध के गढ़ में अपनी कदम रख चुके हैं उनके लिए कानून और पुलिस है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रखने के लिए अच्छी परवरिश करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में ऐसा कोई प्रेम के नाम पर पैसों की लालच में किसी की जान ना ले। फिलहाल आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई सनसनी खुलासे के साथ। नमस्कार, जय जोहार।